हेलो दोस्तों, आज मैं जा रही हूँ गैस ऑफिस, घड़ी कैंट के गैस ऑफिस। अब ये यहीं का रास्ता है, रास्ते में इंस्टीट्यूट और स्कूल हैं। ये है खोलागढ़ वाली रोड, यहाँ पे लिखा है बोर्ड नगर निगम देहरादून। और यहाँ पे आपको यहाँ के रास्ते जाना है, यहाँ पर ये होटल मैनेजमेंट देहरादून इंस्टीट्यूट यहीं पर ही है। यहाँ पर बहुत से बच्चे होटल मैनेजमेंट कर रहे हैं। और ये है पावर हाउस यहाँ का। अब इन्हीं गलियों के बीच से निकल के ये शॉर्ट रास्ता है गैस ऑफिस जाने का, आपको दिखाती हूँ मैं। यहाँ पे बहुत ही सुंदर सुंदर घर हैं, बहुत अच्छी कॉलोनी है यहाँ भी। अब यहाँ पर दो रूट हैं, इस रूट को क्रॉस करके मुझको नीचे वाले रूट पे जाना है गैस ऑफिस के लिए। अब इससे आगे आपको यहाँ का मंदिर दिखाई देगा, टपकेश्वर महादेव मंदिर गढ़ी कैंट। अभी आपको इससे आगे दिखाई देगा, आप देखो। अब मैं मंदिर पहुँचने ही वाली हूँ। ये है मंदिर, दिख रहा होगा आपको। ये सब पर यहाँ पर मंदिर की सामग्री मिल जाती है जो आप लोगों को चाहिए मंदिर में चढ़ाने के लिए। पर मुझे मंदिर में नहीं जाना है, मुझे इससे आगे गैस गोदाम जाना है, जहाँ कागज़ जमा करनी है गैस ऑफिस में। अब मैं आगे को बढ़ रही हूँ। यहाँ यहाँ जब मेला लगता है, बड़ा ग्राउंड है यहाँ पे लगता है, यहाँ लिखा है सब जगह। बहुत सारे होटलें हैं यहाँ मंदिर में, जो दूर दूर से आते हैं उनके खाने के लिए, रहने के लिए। अब इससे आगे आपको ये दिख रहा होगा, ये आ गया गैस गोदाम। ये दिख रहा है आपको, बोर्ड में लिखा हुआ है गड़ी गैस सेवा। ये है यहाँ का गैस गोदाम। अब मुझे यहाँ अंदर जाके अपने कागज़ जमा करने हैं। अब मैंने कागज़ जमा कर दिए हैं, अब मैं जा रही हूँ। अब बोले वो कॉल करके बुलाऊंगी, तब आप पेमेंट जमा करोगे, उसके बाद ही आपको गैस मिल पाएगी। अब मैं जा रही हूँ रूम की तरफ को, फिर से आपको मंदिर दिखाई देगा ये रास्ते पे। ये मंदिर का शुरू हो जाता है यहाँ से। अब यहाँ से आगे पंडित जी आ गए हैं, मैं यहाँ से घूम के जा रही हूँ मंदिर के यहाँ से। ये दिख रहा होगा आपको, यहाँ हमेशा भीड़ लगी रहती है, सोमवार हो या कोई भी डे हो, बहुत ही भीड़ लगी रहती है। मैं जा रही हूँ, बहुत ही धूप हो रही है, यहाँ छाता लेके आई हूँ मैं। काफ़ी भीड़ भी रहती है इधर और बहुत ही धूप हो रही है। अब इससे आगे आते अब दोबारा पहुंच गई मैं होटल मैनेजमेंट वाली जगह पे। अब वहां से आगे ये अब मेन सड़क आ गई है, ये तो सैनिक स्कूल आ गया है। अब यहाँ पर और चीज़ें भी हैं, और ये है मेरे बच्चों का स्कूल, यहाँ पर दिख रहा होगा। ये है यहाँ पर फूल से लगे हुए दीवारों के ऊपर फूल लगे हुए हैं। ये है मेरे बच्चों का स्कूल, ये है मेन गेट यहाँ का, और बहुत ही बड़ा स्कूल है इनका। ये है डीडी कॉलेज ब्लॉक, डीडी कॉलेज।
हॉस्टल है, इसमें भी बहुत सारे बच्चे बाहर के रहने के लिए आते हैं हॉस्टल में। अब मैं पहुँच गई अपनी मेन जगह पे जहाँ से मुझे अंदर जाना है, पर मैं दूध लेने जा रही हूँ पहले, क्योंकि आज मैं दूध नहीं लाई थी, तो मैं पहले दूध लेके आती हूँ, फिर मैं जा रही हूँ मेन गेट से जहाँ मैं रहती हूँ। अब ये हमारी गली है रहने वाली, ये आ गया कैफ़े, अब ये इधर की गली, उधर की गली, अभी आ गया मेरा मेन जगह जहाँ पे मैं रहती हूँ और ग्रीन वाला कमरा। अब मैं पहुँच गई अपने